सेवाराम गुप्त की लिखी एक झलकी जिसका शीर्षक है प्यार की लड़ाई। सुनो आओ आओ ना, हम आज जरा लड़े। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मेरा दिमाग क्यों खराब होने लगा? दिमाग खराब होगा आपका। अरे लड़ाई करना तुम चाहती हो कि मैं? क्या आप एक हाथ से ताली बजा सकते हैं? लो, एक हाथ से कहीं ताली बजती है? एक हाथ से न ताली बजती है और न अकेले लड़ाई होती है, समझे? क्या इस बात से ये साबित नहीं हुआ कि जब मैं लड़ूंगी तब आप भी तो लड़ोगे? अरे लड़ते वो लोग हैं जिनके दिमाग खराब होते हैं, और मैं घर में लड़ाई झगड़ा कतई पसंद नहीं करता, ये तो तुम भी जानती हो। तो क्या मैं पसंद करती हूँ? तो लड़ने की बात तो तुम ही कह रही हो, लेकिन कोई बात भी हो जिसके लिए लड़ा जाए, बिना वजह की लड़ाई किस काम की? और फिर लड़ाई तो जहालत की निशानी होती है। क्या क्या हमेशा जाहिल ही लड़ा करते हैं? जी हाँ, लड़ाई करना जाहिलों का काम है, बेकारों का काम है, भले आदमी कभी नहीं लड़ते। और फिर लड़ाई के लिए जब तक कोई माकूल वजह ना हो, लड़ाई की ही क्यों जाए? वजह तो साफ है और माकूल भी है। वो क्या? आप मुझे प्यार नहीं करते। हंसने की क्या बात है? अरे वाह भाई वाह, ये भी खूब रही, अच्छी वजह बताई तुमने। अगर मैं तुमसे लड़ता नहीं तो गोया तुम्हें प्यार ही नहीं करता। वाह, ये कहाँ का फलसफा है? ये आवाम का फलसफा है। जाके पाँव न फटी भी बाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अरे अमा, तुम तो मतलब से हटकर बेमतलब की बात करने लगी हो। मैंने बेमतलब की बात कौन सी कही दीजिए? अरे सुलह के घर में लड़ाई की बात करना बेमतलब की बात ही तो है। मैं तो भाई इस बात का कायल हूँ कि न शिकवा अच्छा किसी से, न शिकायत अच्छी, सब्र की खूं है भली और शुक्र की आदत अच्छी। मतलब से ही लड़ना चाहती थी, समझे? मतलब की ही बात कह रही थी और तुम हो कि बेमतलब के शेर पढ़ने लगे। बात थी लड़ाई की और आप फिलॉसफी की बात करने लगे। आपको सब्र की आदत क्यों ना अच्छी लगे? क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। हाँ सर, मुझे और मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। मैं ठहरी एक जाहिल गंवार औरत, भला मैं आपकी बात क्यों कर समझ सकती हूँ? आप यही तो कहना चाहते हैं? भाई मैंने तुम्हें जाहिल और गंवार तो कभी कहा ही नहीं। हर बार तुम्हारी अक्ल और दानाई की मैंने बारह तारीफ की है कि तुम एक तालीम याफ्ता औरत हो। और इतनी तारीफ भी किसी मतलब से ही की होगी जिसका मतलब उल्टा होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आदमी मतलब ही होता है। मैं मतलब की बात कर रही हूँ और आप मतलब की बात सुन रहे हैं, समझे? फिर भी पूछते हो क्या मतलब? जो चाहे सो पहलो, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ ना। वाकई अब तो तुम्हारा मूड लड़ाई का ही दिखाई दे रहा है। वो तो आपको दिखाई देगा ही, क्योंकि मैं बेशऊर हूँ, लड़ाका हूँ और आप अकेले दूध के धोए हुए। अरे आमा, दूध का धोया हुआ यहाँ है कौन? हर इंसान में कुछ ना कुछ तो कमी होती ही है। इतनी देर के बाद आपने यही एक बात पते की कही है, मैं अपनी कमी को कबूल करती हूँ। आप भी तो अपनी कमी को कबूल करें कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन मैं गलत बात को क्यों कर कबूल कर लूं? अच्छा, तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? क्या ये कुछ कम सबूत है कि आप कभी मुझसे लड़ते ही नहीं हैं? आप हर वक्त मेरी झूठी तारीफ करते रहते हैं। जो लड़ता है वो प्यार भी करता है और प्यार सच्चा होता है, समझे? क्या फलसफा बताया, जो लड़ता नहीं वो प्यार नहीं करता है। तो क्या तुम्हें लड़ाका शौहर चाहिए था? हाँ, वो भी कोई शौहर है जो दिन रात अपनी बीवी की तारीफ ही करता रहे और अपनी जिंदगी में कभी उससे लड़े ही नहीं। ऐसा शौहर तो मतलबी और चापलूसी होता है। अरे तुम्हें तुम्हें कैसा शौहर चाहिए था? अब मेरे चाहने और ना चाहने से क्या होता है? ये सवाल तो मुझसे शादी से पहले ही पूछना चाहिए था। हाँ, जो गलती हो गई वो हो गई, फिर भी अगर तुम चाहो तो कुछ सुधार किया ही जा सकता है। बहरहाल मुझ में अगर तुम्हें कुछ ऐसी कमी नजर आती है जो पहले कभी नहीं आती थी तो बता दो, मैं उसमें सुधार करने के लिए तैयार हूँ। वो तो मैं बता चुकी हूँ कि दिन रात मेरी खूबसूरती की तारीफ, मेरे काम की, खाना वगैरह पकाने की तारीफ करते रहते हो, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं करते। मारना पीटना तो दूर की बात है, कभी कड़वी बात तक नहीं कही है। क्या ये आप में कमी नहीं है? बताइए ना, मुझसे ही बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, अरे जब मैं तुम में कोई कमी देखता ही नहीं, तुम्हारा हर काम हर बात मुझे पसंद है, तो मैं तुमसे क्या शिकायत करूं? ये फरेब है, धोखा है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे में कोई आय भी ना हो। मैं तो खुदा की जात है, होती है, आपके पास इसका क्या जवाब है, बताइए ना। अम्मा, आज तुम्हें हो क्या गया है? पहले कभी तो ऐसी बैगी बैगी बातें नहीं की थी तुमने।
तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इलाज आप अपना किसी डॉक्टर से कराइए, क्योंकि आप प्यार के हर उसूल को भूल गए हैं। और अब तुर्रा ये है कि अपने को शायर कहते हैं, क्या सब शायर शोहर आप ही की तरह होते हैं? बेलुत्फ और बेजौक। शायर मरहूम जौक साहब का दीवान भी कभी उठाकर देखा है? उसकी धूल तो मैं झाड़ती हूँ, मैं, और उसकी वर्क गर्दानी भी मैं ही करती रहती हूँ। हमारे जौक जैसे अजीम शायर को तो हर अदीब और शायर जानता है, मैंने भी उनका दीवान पढ़ा है। क्या आपने उनका ये शेर भी पढ़ा है? बे मोहब्बत नहीं ऐ जौक शिकायत के मजे, बे शिकायत नहीं ऐ जौक मोहब्बत के मजे। पढ़ा है, उसमें क्या खास बात है? ये लो और सुनो, आपको इस शेर में कोई खास बात नजर ही नहीं आई? इस शेर में तो ही असल मोहब्बत का राज छुपा हुआ है। अगर मुझे दिल से प्यार करते हो तब तो समझते। खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहना, क्या आपने कभी कोई शिकायत की है, मेरे कोई कमी बताई है मुझे? हर वक्त तारीफ के ही पुल बांधते रहते हो। वाह भाई वाह, कमाल है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हें एक आशिक मिजाज शायर शौहर मिला है, जिसे तुम्हारी हर बात हर अदा पसंद है। अच्छे शौहर अच्छी बीवियां कभी झगड़ते नहीं, वो प्यार करते हैं, और जहाँ प्यार और मोहब्बत हो वहाँ लड़ाई का क्या काम? क्या प्यार की लड़ाई नहीं लड़ी जाती? मान लो कि अजीम शायर जौक झूठ कह गए हैं, तो दूसरे अजीम शायर को तो मानोगे ना, जिन्होंने कहा है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में वो मजा ही नहीं। अमा उनसे इत्तफाक करना जरूरी नहीं है, वैसे जहाँ मोहब्बत है वहाँ लड़ाई का क्या काम? ए? काम कैसे नहीं, शौहर के कभी कभार गुस्सा हो जाने से, रूठने से और शिकवा शिकायत से ही औरत को पता चलता है कि उसका शौहर उसे कितना प्यार करता है। कभी रूठ कर भी देखा होता, रूठे को मनाने में एक अनोखा ही मजा होता है। आपकी मोहब्बत तो ऐसी है जैसे बेनमक की दाल या बिना शक्कर का शरबत। क्या मिसाल दी है आपने। अच्छा बहरहाल ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी जाने मन बीवी जान की जिंदगी पुर लुत्फ बन सके। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये तो आप मेरे हुस्न की, मेरे खाने, मेरे कपड़ों की और यहाँ तक कि मेरे खानदान की तारीफ करते रहते हैं। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तारीफ ना करके तुम्हारी बुराई क्या करूँ? जब मैं तुम्हें कोई बुराई देखता ही नहीं तो बुराई कैसे करूँ? ये धोखा है, फरेब है, मक्कारी है। जो खाविंद किसी दूसरी औरत को प्यार करते हैं वही अपनी बीवी की ज्यादा तारीफ किया करते हैं, ताकि वो बेचारी धोखे में पड़ी रहे और कुछ कह ना सके। चालाक खाविंद यही करते हैं। चांद में भी काला दाग है, फिर मेरा हुस्न बेदाग कैसे हो गया बताइए ना। आप जरूर किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करते हैं यार, और मुझे खामोश रखने के लिए मेरी ओफो, पता नहीं किस खानदान की कैसी औरत हो जो खुश होने के बजाय ना खुश हो रही हो, और वो भी इस बात को लेकर। मैं तुम पे गुस्सा नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, ऐब जो नहीं करता, और हाँ, और क्या, वो भी कह डालो ना। अरे तुम्हें तो अपनी किस्मत पर नाज होना चाहिए था कि तुम्हारा शौहर तुमसे, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। ये मकरो फरेब की बातें आप उसी से कहना जिसके साथ मोहब्बत करते हो। आज आप मेरे खानदान तक जा पहुंचे हैं, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं अपने खानदान की बुराई कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती, कभी नहीं सुन सकती। तुम्हारी ये उल जलूल बातें मेरी बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है। इस औरत ने आज सारा मूड खराब करके रख दिया, फसल के खाक लिखूंगा मैं। अब आ गए ना अपनी असलियत पर, तमाम प्लेटे और प्याले तोड़ फोड़ कर रख दिए, और अब अरे सुनो सुनो, अरे जा कहाँ रहे हो? अरे जा रहा हूँ दरिया में डूब मरने के लिए, ताकि मैं तुम जैसी नाकिस औरत से छुटकारा पा सकूं। सुनो तो, अरे मत पकड़ो मुझे, मैं अब इस दुनिया में जिंदा ही नहीं रहना चाहता। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे देखना है कि वाकई आप दरिया में डूबने जा रहे हैं या किसी महबूबा के इश्क में डूबने जा रहे हैं। छोड़ दो मेरा हाथ, मैं, मुझे मरना है और अकेले ही मरना है। अरे अरे अरे, भला ये कैसे हो सकता है, अभी तक मैं आपके साथ इस घर में जिंदा रही हूँ, अब दरिया में भी आपके साथ मर कर दिखा दूंगी। हाँ मेरा रास्ता छोड़ दो, चालू दो मुझे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है जबकि हम दोनों को एक साथ जीना और मरना है। आप जैसे बेलुत्फ शौहर के साथ जी सकती हूँ तो मर भी तो सकती हूँ। और मुझसे नाखुश होने से पहले अगर आप अपने ही हाथ का लिखा ये अहदनामा पढ़ लें तो शायद मरने की जरूरत न रहे। क्या? अरे ये तो मेरे ही हाथ का लिखा एक कभी लड़ाई झगड़ा न करने का, सुलह मोहब्बत के साथ रहने का अहदनामा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेरे के बाकी मैं गलती कर रहा था कि तुमसे लड़ बैठा, अफसोस कि हो गया ना आपका ये अहदनामा बेकार है। दरिया में खुद डूबने की बजाय इस अहदनामे को डुबो दो जाकर। कहते थे मैं कभी जिंदगी में लड़ ही नहीं सकता,
मर्दों की जबान का क्या भरोसा। अहदनामे के साथ घर के चाय की प्लेटें और प्याले तक तोड़कर रख दिया। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ जानम, मैं अपने अहदनामे को भूल गया था। अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने आज ये बात साबित करके दिखा दी है कि आप मुझसे लड़ भी सकते हैं। प्लेटों और प्यालियों की तरह आप अपने अहदनामे को भी तोड़ सकते हैं। मैंने तो आज थोड़ी सी छेड़खानी की थी हुजूर, और आप खफा हो गए। छेड़ का लुत्फ तो जब है कि कुछ कहो और सुनो, बात में तुम तो खफा हो गए, लो और सुनो। वो मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। ये भी तो कहो कि आप कभी झूठे वादे नहीं करोगे और मेरी हर बात मानोगे। मैं वायदा करता हूँ कि तुम्हारी हर बात मानूंगा। अब ये दूरी क्यों जाने मन, जरा करीब आओ ना। आप कितने अच्छे शौहर हैं। गले मिलते हुए जितने गिले थे भूल गई, वरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। आपने अभी अभी वादा किया है कि आप मेरी हर बात मानेंगे। किया है क्यों, क्या कोई शक है? चाहो तो आज मालो। बिल्कुल नहीं। अब जल्द बाजार चलकर हरे रंग की साड़ी खरीदो जो उस दिन मैंने पसंद की थी। ओ, तो ये सारा नाटक साड़ी खरीदने के लिए खेला गया था। चलो चलते हैं, मर्द की जुबान एक होती है। कैसे? प्यार की लड़ाई। अभी आपने मेवाराम गुप्त की लिखी ये झलकी सुनी। प्रस्तुतकर्ता अनुराधा शर्मा।